हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सही होंगे आप लोग भी। तो आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ कबूतरों के पेट के कीड़ों का, जिसको हम लोग डीवर्गिंग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कबूतरों को हर 2.5 से 3 महीने के अंदर ये डीवर्गिंग करना ज़रूरी होता है। इससे कबूतर का आपको जितने पेट के कीड़े होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। कोशी पेट में से उनकी जो जम पल रही होती है वो सारे मर जाते हैं, सारे बाहर आ जाते हैं, पीछे के रास्ते सारे बाहर आ जाते हैं। तो इसका आपको इलाज बताना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, कैसे देना है, ये सबका आपको तरीका बता रहा हूँ। तो पहला दवा आपको ये है, ये अभी क्लियर हो गया था, आपको दवा का नाम दिखा देता हूँ। ये अल्बोमार, ये दवा है कबूतरों को पेट के कीड़े के लिए। ये सारे आपको जो जहाँ आपको जानवर मुर्गे की दवा मिलती है वहाँ आपको आराम से मिल जाएगी। और भी कई के मेडिकल में भी रखते हैं, आपके पास के जो भी मेडिकल है वहाँ आपसे पता कर लें। अल्बोमार 30 ml में आएगा, ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये करीब करीब 33 रुपये का है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसको देना कैसे है इसका भी आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले रात के टाइम आप जैसे कबूतर को दाना पानी कराते हैं, दाना पानी करा रहा के अगर आपने खूंटे के अंदर पानी या दाना रखते हैं वो हटा दें। सुबह कुछ दरवे के अंदर से कोटी, रात को आपको पानी उन्हीं से हटा देना है। सुबह जब आप कबूतर खोलें तो पहले आप जितने कबूतर को आप देते हैं, जैसे कि 1 लीटर पानी डालते हैं या 2 लीटर पानी डालते हैं, जैसे आपके पास 10 कबूतर या 20 कबूतर हो, तो मेरे पास तो अभी फ़िलहाल 20-22 कबूतर के आसपास है, मैं उसके तरीके से बताता हूँ आपको। तो आप थोड़ा सा पहले शक्कर ले लें, शक्कर जैसे घर में जो यूज होती है चीनी वो आप ले लें। एक थोड़ा सा पानी में उस चीनी को गर्म करके उबाल दें, चीनी अच्छी तरह से उसमें मिल जाएगी, घुल जाएगी। वो पानी को ले आएँ, आप जितने कबूतरों को देते हैं पानी, जितना कबूतर को आप पानी देते हैं, जैसे 1 लीटर देते हैं या 1.5 लीटर देते हैं, अगर 1 लीटर के मैं हिसाब से बता रहा हूँ आपको, अगर 1 लीटर में आप चीनी मिला दें पानी में, बढ़िया से घोल मिला दें, और उसके बाद इसमें से अगर 20 कबूतर है, 20 कबूतर को आप इसको एक ढक्कन डाल दें, बढ़िया से इसको घोल के कबूतर के आगे रख दें। दाना बिल्कुल नहीं देना है फिलहाल, पहले पानी देना है इनको। ये पानी पी लें, बढ़िया से पानी पी लें सारे कबूतर, अगर जो कबूतर नहीं पीता है। अगर आपके पास 3-4 कबूतर हैं या थोड़े कबूतर हैं तो आप सिरन से अपना भर के 10-10 ml कबूतरों के गले के अंदर उतार दें, तो दे दें। और ठीक उसके बाद 1 घंटे के बाद उनको फिर थोड़ा दाना डालें, थोड़ा दाना डालें, ज़्यादा दाना डालें। ये कंटिन्यू आप 2 दिन चलाएं। कबूतर को पानी देने के बाद 1 घंटे के बाद कम से कम भर दोस्तों 1 घंटे के बाद दाना दें उनको, ठीक है। और ये दवा जो है वो 2 दिन लगातार चलाएं, जैसे आज आपने दिया है कल नेक्स्ट डे भी आप वही फॉर्मूला इस्तेमाल करें देने का। और ये दोस्तों हर 2 से 3 महीने, आप 3 महीना मान के चलो, 3-3 महीने में आपको ये कबूतरों को देना ही देना है। इससे जितने कबूतर के अंदर जम जो पैदा हो रहे हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा दवा है, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। अल्बोमार वेटरनरी शॉप पर मिल जाएगी आपको आसानी से। ये तो बस यही एक छोटा इलाज का बताना था। ये पहले दे कबूतर को, और अगर ये दवा देने से पहले एक चीज़ और है मैं आपको बताना भूल गया थोड़ा, मैं फिर से आपको बताता हूँ। अगर जब ये दवा आपको स्टार्ट करना हो तो कम से कम ये दवा इस्तेमाल करने से पहले 3 दिन तक लगातार हर कबूतर को ये बुटोन आपको दिखाता हूँ, फोकस हो जाए।
ये बुटान है, ये बुटान। 3 दिन तक लगातार बुटान चलाना है। अगर आपको 3 दिन लगातार सब कबूतर को, जितने कबूतर हैं सबको बुटान चलाना है और ये दवा देना है। अगर जो बच्चे वाले हैं, जो बच्चे भरा रहा हो, उसको ये दवा नहीं देना है, क्योंकि फिर ये बच्चे को भी भरा देगा तो तकलीफ हो जाएगी थोड़ा। जो बच्चे वाले कबूतर हैं, जो अंडे पे है उसको दे सकते हैं, जो बच्चे पे है उसको ये दवा नहीं देना है। ये खासकर याद रखिएगा, जो बच्चे वाले हैं उसको ये दवा नहीं देना है, बाकी आप सभी कबूतर दे सकते हैं। और ये दवा देने से पहले आपको 3 दिन तक लगातार, 3 दिन तक पहले लगातार ये बुटान चलाना है। बुटान जब 3 दिन तक आप चला दें तो 4वें दिन आपको ये दवा देना है। ये बुटान देखिए, फोकस हो गया, बुटान है। ये भी आपको वेटनरी शॉप पे मिल जाएगी आसानी से। ये बहुत, ये भाई दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, ये लीवर के लिए बहुत अच्छी टॉनिक है। और ख़ास कर याद रखिए सर, बच्चे वाले कबूतरों को नहीं देना है, जो बच्चे भरा रही हो उसको ये दवा बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। और बस आज के वीडियो ये इतना था। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी बीमारियों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, नए नए वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको दूंगा अपडेट। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस ये इतना। नमस्कार।